अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आज हमारी थी नेटवर्क की क्लास। देखने वालों को मैं ये बताऊं, नेटवर्क वो बला है जहां कुदरत के काम बदल जाते हैं। जैसे कि अभी तक कैपेसिटर सीरीज में नहीं लगता था, अब सीरीज में आ गया। कॉइल यहां पैरेलल नहीं लगती थी, अब पैरेलल में आ गई। ये क्यों लगा, ऐसा क्यों है, सारा कुछ है हमें पता। अगर किसी को इस रिलेटेड कन्फ्यूजन है वो हमसे संपर्क करे, हम उसको अच्छे से नॉलेज दे देंगे। पहले सोल्यूशन मिला कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरा एड्रेस मिला है। हाँ, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे टेस्टिंग करनी है, कहाँ से फॉल्ट आता है और कैसे पावर, कैसे आईसी निकालनी है, उसके बाद उसके आईसी के अंदर के पैड से चेक करना है, सारी चीज़ें की नॉलेज हमें दी गई है। बाकायदा प्रैक्टिकल करा के फिर उसके बाद हम यहाँ आके खुद नॉलेज मिला सर। बात करें WTR की, SDR IC की, PFO, 3G PFO, 4G PFO और DSO से भी उसको WTR IC को कैसे चेक करना है वो भी सर पूरा डिग्री पढ़ा है। अच्छा, इसके ऊपर कुछ है क्या नॉलेज? नहीं सर, ये लास्ट है, एंडलेस एंडलेस। यस सर, आप एक एंटीना से CPU तक होके आ गए आप। यस सर, आज एंटीना से शुरू कराओ तुमने और CPU तक चले गए। yes. अब इसके बीच में जो आता वो भी तुमको मालूम है। यस सर, मेरे बताओ नेटवर्क सेक्शन किस किस को समझ में आया? सच बताओ। यस सर, जैसा सोचा था उससे ज्यादा मिला कि नहीं मिला? yes, sir. मुझे बताओ PFO के बोलते या SDR, WTR, MIRATIC के बोलते कौन कौन चेक कर सकता है बताइए? yes, और एंडलेस ये बताओ कि डाटा सीट कौन कौन बना सकता है? yes, कौन कौन बनाने वाला प्रैक्टिकली? yes, अभी अभी दिखाने वाले घंटे के बाद चालू गोवन में। yes, IC निकालकर कि आपने RFIC की डाटा सीट किसने बनाई है? सर हमें ईमानदारी से बताना। ईमानदारी से सर, हमने ईमानदारी से जिसने बनाई है वही हाथ खड़ा करेगा। सर दिखा देंगे, हाथ आएगा। ऑल स्टूडेंट? यस सर। बहुत बढ़िया लगा सर, ये सारे डाउट्स क्लियर हैं। सारे डाउट क्लियर। अभी कोई सा भी अगर नेटवर्क से रिलेटेड, नेटवर्क देखो बहुत हार्ड होता है। जी सर, बहुत हार्ड होता है, लेकिन उसके बाद जब देव सर ने पढ़ाया उसके बाद कुछ हार्ड नहीं है सर। बहुत बढ़िया रहा सर आपका क्लास। क्या स्पेशल रहा आज का? बहुत बढ़िया सर, पहले तो नेटवर्क का पता ही नहीं चलता था सेक्शन किधर है, आज पता चल गया सर फुली रूप से। आज नेटवर्क सेक्शन की क्लास थी, जो बहुत कॉम्प्लिकेट सेक्शन है उसको समझने में अच्छे अच्छों की फट जाती है। तो उसको बहुत ही अच्छे से देव सर ने समझाया है, डीपली समझाया है, कहाँ से उसकी फ्रिक्वेंसी आती है, किस वोल्टेज को चेक करते हैं, किस GR को चेक करते हैं, डाटा शीट कैसे बनाते हैं, पूरा नॉलेज दिया गया। नेटवर्क सेक्शन इतना ईजी हो गया और सबसे अच्छी बात यह है कि थ्योरी के साथ साथ देव सर अपना जो एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करते हैं, ट्रिक्स शेयर करते हैं, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया क्लास गया है। जिसके DSO के बिना हम फ्रिक्वेंसी लाइन चेक नहीं कर सकते और उसको डायग्नोस नहीं कर सकते, तो DSO बहुत हेल्प करता है नेटवर्क सेक्शन को रिपेयर करने में। अगर तुमको ऑनलाइन होता तो क्या होता? नहीं सर, नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है सर, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी चाहिए थ्योरी से, और ऑनलाइन में तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हम वहाँ से आते हैं, जब यहाँ समझते हैं तब हमारे डाउट जो थोड़े बहुत डाउट होते हैं वो ख़त्म होते हैं, जो कि सर आधा प्रैक्टिकल वहीं करवाते हैं तब। यही सर हमको अगर कोई ऑनलाइन में बताएगा तो समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर ऊपर जाएगा। क्लास होती है 6 घंटे में, 3 घंटे प्रैक्टिकल हो जाता है और 4 घंटे प्रैक्टिकल हो जाता है सर, यानी क्लियर करते करते सब एक बोर्ड में नहीं सभी PCB के बारे में बताया जाता है, IC वाइज बताया जाता है, इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है। नेटवर्क का क्लास था और बहुत ही बढ़िया क्लास था सर, जिसमें 0 से लेकर 100% तक बताया गया आज, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे एंड करना है वहाँ तक। जब भी आए थे तो WTR हमको भी लगता था बहुत बड़ा WTR है, लेकिन कुछ नहीं है WTR में, आज पता चला है। बना कि नहीं बना? बन गया सर। कैसी रही, मतलब ओवरऑल क्लास कैसी रही? बात करें प्रैक्टिकल की, बात करें देव सर की, कैसी रही क्लास आपकी? सर बहुत बढ़िया, आज सभी नेटवर्क के बारे में पता चल गया और कंपोनेंट में ये नई चीज़ पता चल गई कि वहाँ डायोड का कोई पता चला कि कौन सी ICR कहाँ का क्या काम करती है। WTR के अलावा भी बहुत सारे काम है IC में, और सर एंटीनर में खाली बीप आने से सर वो सही नहीं होता, वो भी सर आज पता चला। सर आज नेटवर्क क्लास थी और नेटवर्क क्लास में बहुत ही अच्छी जानकारी मिली, बेसिक चीज़ से एडवांस लेवल तक की, और उसमें हमें पता चला कि अभी तक हम लोग क्या करते थे, जैसे नेटवर्क की पोर्शन में अगर कोई पीप कर रहा है कोई कंपोनेंट, तो हम लोग उसको उखाड़ के फेंक देते थे, उसको हम समझते थे कि शॉर्टिंग है, पर अब ऐसा पता चल गया कि ऐसा कुछ नहीं है। और तो आपको जो उसका जो सोल्यूशन था वो एंडलेस सोल्यूशन मिला कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरा एड्रेस मिला है। हाँ, एक कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे टेस्टिंग करनी है, कहाँ से फॉल्ट आता है और कैसे
पावर कैसे आईसी निकालनी है, उसके बाद उसके आईसी के अंदर के पैड से चेक करना है, सारी चीज़ें नॉलेज हमें दी गई है बाकायदा प्रैक्टिकल करा के, फिर उसके बाद हम यहाँ आके खुद प्रैक्टिकल। प्रॉब्लम हो जाती है जो नेटवर्क शुरू हुआ तो वहाँ से ही होती है, अब मालूम नहीं था पहले तो बस बीप 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 यही। अभी एंड तक का मालूम हुआ कि नहीं, एंटीना से लेके सीपीयू तक पूरा एंड तक मालूम हुआ कि नहीं? सब मालूम पड़ा कि नेटवर्क अगर इस लाइन पे ना आए तो क्या करना चाहिए, कहाँ से लाइन लीकेज हो जाती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी चीज़ आज कस्टमर के हाथ बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया कि नेटवर्क सेक्शन में क्या कंपोनेंट होते हैं, कितने आईसी होते हैं, किस आईसी का क्या काम है और क्या पार्ट आते हैं, और उसके एंडलेस सोल्यूशन भी बताया। स्टूडेंट है जी, बताइए। रोहन झारखंड से। हाँ, आज नेटवर्क का क्लास था सर। और इसमें कहाँ से प्रॉब्लम आती है, कहाँ वोल्टेज चेक करना है, कहाँ से फ्रीक्वेंसी चेक करना है, सब कुछ बताया गया। और तो इसका एंडलेस सोल्यूशन मिला कि नहीं मिला? मिला सर। तो आज बहुत अच्छा लगा सर। पहले तो हम काम करते थे मोबाइल का, पहले तो हम नेटवर्क में WTR वगैरह चेंज कर लेते थे, पर आज हमें बहुत अच्छा लगा कि इतनी जानकारी मिली कहाँ से कौन सी सप्लाई आती है आईसी के पास और कहाँ से फ्रिक्वेंसी बनती है किस तरह से, तो आज हमें बहुत अच्छा लगा सर। तुम वोल्टेज वाले टेक्नीशियन नहीं बने, आप फ्रिक्वेंसी वाले टेक्नीशियन बन गए हो ना? यस सर। डिप्ली नॉलेज मिला सर। बात करें WTR की, SDR IC की, PFO, 3G PFO, 4G PFO और DSO से भी उसको WTR IC को कैसे चेक करना है वो भी सर पूरा डिप्ली पढ़ा है। अच्छा, इसके ऊपर कुछ है क्या नॉलेज? नहीं सर, ये लास्ट है। एंडलेस एंडलेस यस सर। आप एक एंटीना से CPU तक होके आ गए आप? यस सर। आज एंटीना से शुरू कराओ तुमने और CPU तक चले गए, अब इसके बीच में जो आता वो भी तुमको मालूम है? यस सर। तो जाते ही नेटवर्क का फॉल्ट बनाओगे? हाँ, अगर फ़ोन आया तो बनाएंगे, और वैसे भी सब कुछ लिखा हुआ है, सर ने बताया हो तो दिमाग में बैठ गया, अभी भूल भी जाते हैं तो सर का सब ऐसा बताया हुआ है कि एक बार देखेंगे तो फिर याद। डेटा शीट बनाई कि नहीं? हाँ सर, डेटा शीट बनाया है ना। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे प्रैक्टिकल कराया आपने, जो थोड़ा बहुत डाउट था सर आपने क्लियर किया एकदम। सर अभी नेटवर्क का कोई भी ऐसा फॉल्ट हो जो वापस नहीं जाएगा सर? हाँ, जो हमारा नेटवर्क सेक्शन था उसमें नो सर्विस, इमरजेंसी कॉल, कॉलिंग फील्ड का, और सब सर ने अच्छी तरीके से बताया, उसके लिए बहुत बढ़िया है। नॉलेज एक नंबर। अगर उसको अगर ये मानते चलो इस फील्ड में बिल्कुल फ्रेशर है ना, और यहाँ फिर वो 10 साल से काम करना है, तो दोनों को आना चाहिए कि फ्रेशर को नहीं आना चाहिए, 10 साल वाले को? दोनों को आना चाहिए। दोनों को आना चाहिए? दोनों को। इस लायक है टेलीकॉम की दोनों को पढ़ा सकता है? हाँ, एक नंबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आज हमारी थी नेटवर्क की क्लास। जी, देखने वालों को मैं ये बताऊँ, नेटवर्क वो बला है जहाँ कुदरत के काम बदल जाते हैं। जैसे कि अभी तक कैपेसिटर सीरीज़ में नहीं लगता था, अब सीरीज़ में आ गया। कॉइल यहाँ पैरेलल नहीं लगती थी, अब पैरेलल में आ गई। ये क्यों लगा, ऐसा क्यों है, सारा कुछ है हमें पता। अगर किसी को इस रिलेटेड कन्फ्यूजन है वो हमसे संपर्क करे, हम उसको अच्छे से नॉलेज दे देंगे। क्लास हाँ, ये देव सर ने सबसे आसान करके बताया। सबसे आसान किया देव सर ने? भाई देव सर ने आपको, आज तबीयत खराब थी और उसके अंदर पढ़ाया आपको। क्या बोलेंगे सर के लिए? सर, पूरी आपको कहीं पे ऐसा लगा कि एनर्जी कम हुई है? इतना फीवर होने के बावजूद बताओ मेरे को, कहीं से कहीं तक आपको लगा कि एनर्जी कम हुई? सब पढ़ाए सब, सब। अभी कोई मसला तो नहीं है नेटवर्क? नहीं नहीं सर, कोई। बात करें प्रैक्टिकल की, बात करें उसको समझने की, बात करें GR की, बात करें फ्रिक्वेंसी की, बात करें वोल्टेज की, किसी प्रकार का कोई मसला नहीं? एंटीना से लेके CPU तक अभी कोई फॉल्ट आएगा तो वापिस जाएगा क्या दुकान? नहीं जाएगा। मिस्टर, अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका CPU निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं?
चलिए इधर देखिए क्या कर रहे हैं भैया। आज हमारा किसका सेक्शन था? नेटवर्क सेक्शन। आज हमारी नेटवर्क सेक्शन की क्लास थी, तो कैसी रही आज हमारी नेटवर्क? तो नेटवर्क में जितने फॉल्ट आते हैं, कहाँ पे क्या वोल्टेज आने चाहिए, सब कुछ बता पाएंगे? सब। अभी क्या बना रहे हो? WTR का डाटा सेट बना रहे भैया? डाटा सेट बना रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई सारी क्लास? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं भैया? डेटा सेट बना रहे थे। कैसे रही नेटवर्क सेक्शन आज हमारा? हर एक चीज़ जो मार्केट में फॉल्ट आता है वो फाइंड आउट कर पाएंगे या नहीं कर? जी सर, कर पाएंगे। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। आप क्या कर रहे हैं? डाटा सीट बना रहे हैं। कैसी रही नेटवर्क सेक्शन क्लास? अच्छी थी सर। मतलब ऐसा तो नहीं कि केवल PFORF बता दिया गया और नेटवर्क सेक्शन खत्म हो गया? 3G 2G 4G सब तक का बना। मतलब अब देखते पहचान जाएंगे जी। अब हमें लोग WTR चेंज कर देते हैं, बेसिकली नेटवर्क आ भी जाता है। क्यों चेंज करना है, कब चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, वो अब फाइनली रिजल्ट पता चला। एक एक कंपोनेंट से या एक कॉइल से होता है सर। WTR से चेंज कर देंगे तो ऐसा नेटवर्क नहीं आता। वो कंपोनेंट क्यों चेंज कर रहे हैं उसका एक रीज़न होना चाहिए, हम चेंज क्यों कर रहे हैं जी सर, कब कैसे चेंज करना है वो पता है आपको पर्टिकुलर? यस सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं अभी आप? सर डाटा शीट बना रहे हैं सर। डाटा शीट बना रहे हैं? किसका बना रहे हैं आप? सैमसंग का S9 RFIC का बना रहे हैं। तो ये किसी डायग्राम के थ्रू बना रहे हैं, कैसे देख के बना रहे हैं? नहीं नहीं, इसके पास कितने वोल्टेज चेक करने चाहिए सारा कुछ पता है आपको? कैसा ओवरऑल क्लास हमारा? बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा सारा कुछ? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? ट्रैक चेक कर रहे हैं। तो ओवरऑल नेटवर्क सेक्शन हमारा कैसा रहा, देव सर का पढ़ाने का कैसा तरीका रहा? समझ में आ रहा सारा कुछ? डीप नॉलेज तक मिला। ऐसा तो नहीं केवल RF या PFO चेंज कर दो नेटवर्क बन जाएगा? नहीं ऐसा। क्यों बनना है, कब सप्लाई किया, वोल्टेज चेक करना है, सब कुछ पता चला? हाँ। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। मुस्तफ़ा क्या कर रहे हो? सर नेटवर्क IC नेटवर्क सेक्शन आप चेक कर रहे हैं, कैसा रहा ओवरऑल? सर बढ़िया रहा सर। समझ में आई सारी चीज़ें? प्रैक्टिकल करने को मिल रहा है? प्रैक्टिकल में मिल रहा है जी सर, प्रैक्टिकल ही कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? सर WTR का डाटा सेट बना रहा है। तो ओवरऑल कैसी रही नेटवर्क? मतलब नेटवर्क से रिलेटेड तो मार्केट में फॉल्ट आ रहे हैं, काफ़ी आते हैं सर, तो उसको फाइंड आउट कर पाएंगे नहीं कर लेंगे सर? कैसा रहा ऑलमोस्ट क्लास अभी तक? बहुत बहुत अच्छी क्लास। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं भैया? सर WTR का डाटा सेट बना रहा हूँ। WTR का डाटा सेट, तो वैसे आज हमारे नेटवर्क सेक्शन में क्या क्या वोल्टेज, क्या क्या सप्लाई, क्या कहाँ से आती है, क्या फ्रिक्वेंसी कब होता है, ये पता चला आपको? यस सर। तो ओवरऑल कैसी रही नेटवर्क सेक्शन? सब का सिम लगाते हैं, फ्रिक्वेंसी आती, वोल्टेज आती, सारा पता चल गया। हम बना पाएंगे आप कहाँ पे क्या चीज़ चेंज करना है? जैसे लोग जनरली WTR चेंज कर देते हैं, तो क्या वही इसका सोल्यूशन है क्या? नो सर। WTR हमें चेंज क्यों करना है वो पता चला आज आपको? सर जब डीप नॉलेज नहीं होगा ना तो WTR ही आगे चेंज करेगा। WTR SDR यस सर, सारा चेंज करने से अगर जानकारी रहेगा तो कभी चेंज ही नहीं करेगा, जब तक उसको चेंज करना पड़ेगा, जब प्रॉपर एक्चुअल खराब होगा तो। यस सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करें। क्या कर रहे हैं भैया? सर क्या बना रहे हैं? डायग्राम। डाटा सीट बना रहे हैं WTR का? यस। तो ओवरऑल कैसी क्लास रही आज हमारी? सर बहुत बढ़िया। समझ में आ रही सारा कुछ? तो सेक्शन वाइज जो भी ये तक पढ़ाएगा कैसा रहा ऑलमोस्ट? जी सर, 2G 4G WTR जो भी IC होती है सब देख करके पहचान जाएंगे नेटवर्क सेक्शन अपना। चलिए ठीक है, क्या कर रहे हैं अभी आप? WTR का डाटा सीट बना। डाटा सीट क्यों बना रहे हैं इसका एक क्यों? क्योंकि आपको ऐसा क्यों लगा कि इसका डाटा सीट बनाना चाहिए? डाटा सीट बनाएगा तो आगे चल के सर फाइंड आउट करने में सही रहेगा। वेरी गुड। मतलब हम जब WTR एक दो बार चेंज कर लिए फिर भी नहीं काम कर रहा है, तो उसे कैसे हमें करना है, तो वो आप फाइंड आउट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कैसा रहा ऑलमोस्ट क्लास हमारा? बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा सब कुछ? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं भैया? सर डाटा सेट बना रहे। किसका डाटा सेट बना रहे हैं? WTR तो WTR SDR जो भी सेक्शन लगा होगा RFIC को पहचान जाएंगे? बिल्कुल सर। मीडिया टेक होगा तो भी पहचान जाएंगे? तो कैसा रहा ऑलमोस्ट क्लास हमारा? समझ में आ रहा सारा कुछ? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। ये क्या कर रहे हैं अभी आप? WTR का डाटा सीट बना रहे हैं। तो ओवरऑल कैसी रही क्लास हमारी? समझ में आ रहा सारा कुछ? A to Z हर एक दिन सीखने को नया मिल रहा है सर, हर दिन रोज नया मिलता है, नया मिल रहा है। अभी आप जो प्रैक्टिकल जो सर ने पढ़ाया वो प्रैक्टिकल मिल रहा है? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं अभी आप?
सभी WTR रिमूव किया है, इसका डाटा सेट बना रहा है। तो केवल WTR ही पढ़ाया गया कि ओवरऑल सारा नेटवर्क सेक्शन पढ़ाया गया? सभी नेटवर्क सेक्शन पढ़ाया गया। मतलब नेटवर्क से रिलेटेड क्या फॉल्ट आता है, उसको क्या सलूशन हो सकता है, सब कुछ बताया गया? बिल्कुल। ओवरऑल कैसे रही आपको जो अभी आपने अभी तक पढ़ा, क्या सारा ओवरऑल? बहुत बढ़िया सर, समझ में आ रहा है सबको? सबको ये क्लाइंट समझ में। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं अभी आप? तो मार्केट में नेटवर्क से फॉल्ट तो आते ही, तो आप उसको फाइंड आउट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मतलब कहाँ पे हमें क्या वोल्टेज चेक करना है, कब 1.8, कब 1 वोल्टेज, कहाँ पे क्या चेक करना है, सारा कुछ बता पाएंगे? हाँ। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर नेटवर्क सेक्शन। तो आज हमारी नेटवर्क सेक्शन क्लास थी, तो ऑलमोस्ट कैसी रही आज हमारी नेटवर्क सेक्शन क्लास? बहुत बढ़िया सर। हर एक सेक्शन बताया गया कि कुछ छोड़ दिया गया? ना ना सर, हर एक सेक्शन बनाया गया। लेटेस्ट की पुराना ही बताया गया, जो पुराना चल रहा है ये चेंज कर दो सर। जो भी तृतीय सर का पढ़ाने का तरीका कैसा रहा? बहुत बढ़िया सर। चलिए ठीक है, डायग्राम देख के डायग्राम बना रहे हैं सर। बिना देख के डायग्राम बना देंगे? हाँ सर, बन रहा है, आधा तो बन गया। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। अच्छा फोन में बना रहे क्या? तो ये रहना सर। अच्छा चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं आप? सर अभी हमारा नेटवर्क का सेक्शन था जी, जो मतलब PFO है, चाहे RF PFO, 2G PFO, 3G 4G का PFO जो भी है जी जी, और इसमें जो भी एरर्स आते हैं नेटवर्क में, जो भी फॉल्ट्स आते हैं, उसका बेस क्या है, बेस इशू क्या है, ओके सर, वो देव सर ने बनाया, अभी हम डाटा शीट बना रहे हैं IC। तो जो सर ने पढ़ा है वो एक्चुअल प्रैक्टिकल में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हां जी सर, वही तो प्रैक्टिकल ही है। अच्छा, तो ओवरऑल कैसी रही अभी तक की क्लास? समझ में आ रहा है सब जेड टू जेड? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, क्या कर रहे हो आप? WTR का डाटा सेट बना रहे हैं। WTR का डाटा सेट बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? मतलब पूरा किसमें कौन सा कभी दिक्कत आया तो डाटा सेट देख के काम कर सकते हैं। मतलब डाटा सेट देख के क्यों हम बार बार WTR दो बार चेंज कर दिया फिर भी काम नहीं हो रहा, तो हम पैड लाइन अगर चेक कर लेंगे तो हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट कैसी रही अभी तक की क्लास? समझ में आ रहा है सब कुछ? चलिए ठीक है, कंटिन्यू। क्या कर रहे हैं अभी आप? वोल्टेज चेक कर रहे हैं SR का वो अनलॉक सेक्शन में। तो अभी क्या चेक कर रहे हैं? वोल्टेज चेक कर रहे हैं, वोल्टेज चेक कर रहे हैं सर। तो कहाँ पे क्या वोल्टेज आना चाहिए, कब आना चाहिए, सब कुछ पता चला आपको? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। चलिए क्या कर रहे हैं अभी आप? डाटा शीट बना रहे हैं अभी। डाटा शीट बना रहे हैं? हाँ। तो ओवरऑल कैसे रही क्लास हमारी? एकदम अच्छा, समझ में आ रहा है, हर एक दिन नया सीखने को मिल रहा है। नया, नया। तो नेटवर्क सेक्शन में ऐसा तो नहीं पुराना सर्किट बता दिया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी आने वाले जो भी उनकी भी नॉलेज दी गई, अभी जो आना वाला है उसका भी मिल गया, फाइव जी तक का मिल गया। तो ओवरऑल कैसे रही क्लास हमारी? मैं इतना कहूँगा कि एंडलेस मिल गया। एंडलेस मिल रहा है हर एक दिन, हर एक सेक्शन में मिल रहा है कि बस नेटवर्क सेक्शन में? नहीं, हर एक सेक्शन में, हर एक सेक्शन में, खाली नेटवर्क सेक्शन में। जी जी जी, मतलब कोई भी जो अभी तक पढ़ा उससे फाइंड आउट कर पाएंगे आराम से? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। अभी क्या कर रहे हैं? डाटा सीट बना रहे हैं। डाटा सेट क्यों बना रहे हैं, क्या जरूरी पड़ा डाटा सेट बनाने का? वाईफाई चेंज करने के बाद भी काम नहीं हुआ तो पैड लाइन को चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या आ रहा है, क्या GR आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कैसी रही ओवरऑल क्लास? समझ में आ रहा सब कुछ? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करें। आप क्या कर रहे हैं? जी सर, डाटा सेट बनाने का तैयारी कर रहे हैं। डाटा सेट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ओवरऑल कैसी रही क्लास में नेटवर्क सर? आज तो बहुत अच्छा रही। तो नेटवर्क से रिलेटेड जो भी फॉल्ट आएगा उसको फाइंड आउट कर पाएंगे? हाँ सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? नोट 4 का डाटा सेट बना रहे हैं। ओके, कैसे रही नेटवर्क सेशन आज हमारी? बहुत अच्छा रहा सर। समझ में आ रहा है सारा कुछ? हाँ सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं आप? डाटा सेट बना रहे हैं सर। डाटा सेट बना रहे हैं, तो ओवरऑल कैसी क्लास रही हमारी? बढ़िया। ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? WTR की डाटा सेट बना रहे हैं। WTR की डाटा सेट बना रहे हैं। ओवरऑल कैसी रही नेटवर्क सेशन? बहुत बढ़िया रही। मार्केट में नेटवर्क सेशन फॉल्ट आते ही हैं, तो अगर अब आएगा फॉल्ट तो फाइंड आउट कर पाएंगे? जी सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं आप? WTR की डाटा सीट बना रहे हैं। WTR की डाटा सीट, ऐसा है कि केवल WTR ही पढ़ाया गया और बाकी CPU का नहीं पढ़ाया गया? सब चीज़ें पढ़ाया गया, A to Z पढ़ाया गया यहाँ पे। तो ओवरऑल कैसी रही क्लास हमारी? समझ में आ रहा सारा कुछ? बिल्कुल आ रहा है। आप फाइंड आउट कर पाएंगे? बिल्कुल कर रहा। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं आप? डाटा शीट बना रहे हैं। तो ओवरऑल जो हमारा नेटवर्क सेक्शन था, नेटवर्क हालांकि बहुत टफ सेक्शन है,
कहाँ पे क्या चीज़ चेक करनी है, अब सब कुछ एक एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। हाँ सर। तो ओवरऑल कैसा रहा क्लास हमारा? बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमारी नेटवर्क सिस्टम की क्लास हुई है और सारे स्टूडेंट यहाँ पे कर रहे हैं प्रैक्टिकल, जैसा कि ऑलमोस्ट हमने दिखाया है यहाँ पे। ऐसे ही बने रहें। थैंक यू सो मच।